डेफर्ड टैक्सेशन एंड ग्रुप ग्रुप अकाउंट्स। कुछ बातें तो मैंने आपको बताई हैं, एक ही बात बताई थी इनफैक्ट वहां पे, लेकिन मैं आपको जरा पर्टिकुलर कुछ बातें बता दूं। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं ना ग्रुप अकाउंट्स एंड डेफर्ड टैक्सेशन, तो एक बात को बड़ा कैटेगोरिकली कर लें, ये ग्रुप अकाउंट्स का मतलब क्या है? ग्रुप अकाउंट्स का मतलब है एक्विजिशन अकाउंटिंग। कि अगर एक्विजिशन अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है ना, तो इसकी वजह से, एक्विजिशन अकाउंटिंग की वजह से डेफर टैक्स का मैटर, तो आप बिल्कुल अलग समझिएगा। आप आइसोलेशन में, इंडिविजुअल अकाउंट्स अलग हैं। अच्छा, वो इंडिविजुअल अकाउंट्स पेरेंट के भी हो सकते हैं और वो इंडिविजुअल अकाउंट सब्सिडरी के भी हो सकते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल अकाउंट का गेम है ना, बिल्कुल अलग रखिएगा उसको, यानी कि पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स का डेफर्ड टैक्स एस्पेक्ट अलग है, वो जो पीछे आई 12 पढ़ा आपने। सब्सिडरी की इंडिविजुअल बुक्स का डेफर्ड टैक्स एस्पेक्ट बिल्कुल आइसोलेशन में रखेंगे वो। यहां पर क्या है भाई, एक्विजिशन अकाउंटिंग स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स का कॉन्टेक्स्ट अराइज हो गया। बच्चों, जो मैंने बात की आपको समझ में आई है? ऊपर से तो नहीं चली गई? हेलो, हाँ, अभी तक ही पूछा है मौलवी, मतलब ये थोड़ी पूछा, आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आ गया, ये सवाल पूछा मौलवी मैंने क्या है मौलवी, मैंने क्या ये पूछा सवाल कि आगे अगले एक घंटे में जो पढ़ाऊंगा सब समझ में आ गया? कितनी मरतबा बोला मौलवी तुझे, उस्ताद से आगे घोड़े के पीछे मत चढ़ा कर, दोनों सूरतों में लात पड़ती है। अच्छा चलो सुनो बात, इधर अटेंशन नहीं बढ़ रहा, मैं आपको बता रहा। तो अभी जो गेम है ना एक्विजिशन अकाउंटिंग, अच्छा आपके सिलेबस कॉन्टेक्स्ट में ना, जाहिर सी बात है, चाहे एक्विजिशन अकाउंटिंग का मैटर हो चाहे इंडिविजुअल बुक्स का हो, डेफर्ड टैक्स की तो अपनी ही एक रन है ना, अपना ही एक दुनिया है। तो भाई दो डिफरेंसेस में बात होंगे, एक होगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस TDD और एक होगा डिडक्टेबल डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। ये टिश्यू पेपर देना यार, स्वेटिंग हो रही है मुझे बहुत। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, एक मिनट यार, या तो डिफरेंस अराइज होगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का या डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस का, ठीक है? देखो भाई, हम जो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस में बात करेंगे ना, वो एक बात करेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है दोस्त? और वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगा अपवर्ड, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अपवर्ड, और अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाउनवर्ड होगा ना,
मतलब लिख दे रहा हूं आपकी आसानी के लिए, याद नहीं करूंगा, समझाऊंगा सब। डाउनवर्ड टोटल डिडक्टेबल टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अच्छा फिर एक पढ़ेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसमें डिडक्टेबल टेम्परेचर डिफरेंस ही आएगा। अच्छा और एक होगा अनरिमिटेड अर्निंग्स, वो भी टैक्सेबल टेम्परेचर डिफरेंस। बस ये टोटल यही सिनेरियो है जो कि ग्रुप अकाउंट्स का आएंगे और नहीं पूछेगा कुछ लिमिटेड। बस और कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा ये होता क्या गेम है मैं आपको बताऊं। अच्छा कोई भी गेम में आगे करने से पहले, आगे जब भी पढ़ाऊं एक बात कान खोल के सुन ले, ग्रुप अकाउंट से रिलेटेड जब भी हम पढ़ेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर होगा, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, कोई भी केस हो, टैक्सेबल डिडक्टेबल। ये मैं बता चुका हूं अपनी पहली क्लास में भी, लेकिन दोबारा बता रहा हूं, जो कैरिंग अमाउंट होगा ना ग्रुप अकाउंट्स में वो हमेशा हम कंसोलिडेटेड अमाउंट लेंगे, और जो टैक्स बेस होगा ना, टैक्स बेस यानी कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमेशा वो इंडिविजुअल अमाउंट से, इंडिविजुअल बुक्स का अमाउंट लेंगे। ये कंसोलिडेटेड बुक्स का अमाउंट लेंगे और वो इंडिविजुअल बुक्स का अमाउंट लेंगे, ये हमेशा होगा। उसके बाद ये डिफरेंस आएगा, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा या फिर, तो ये रूल आपने नहीं भूलना कभी। टैक्स वाले ना कंसोलिडेशन को थोड़ा नहीं मानते, और वैसे भी पता है तुम्हें टेम्परेरी डिफरेंस टैक्स बेस ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं टैक्स का मैटर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। डेफर टैक्स बेसिकली अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, और है वो टैक्स की विद अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। ये पुरानी बात हो चुकी है बात पहले। अब सुनिएगा बात जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं ना उसको गौर से सुने। ठीक है, मैं पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दोनों तरीकों से पढ़ा दूंगा, अपवर्ड डाउनवर्ड। पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आखिर में अनलिमिटेड अर्निंग्स पढ़ाऊंगा। ये पहले बता दो, अच्छा क्या है ये, मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं लेकिन दोबारा पढ़ा रहा हूं जानबूझ के, ताकि एक मोमेंटम बन जाए। अगर 1 जनवरी 2020 को पेरेंट ने सब्सिडी को 80% एक्वायर किया, जो नेट एसेट की बुक वैल्यू थी वो 1000 थी, लेकिन एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुआ बिल्डिंग का और वो अपवर्ड हुआ, अपवर्ड
अच्छा, इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है ना, वो 10 ईयर्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा फेयर वैल्यू नेट एसेट कितने हो गए? 110। ये सारी स्टोरी हुई है एक्विजिशन डेट को, और जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग डेट को, यानी कि कंसोलिडेशन, ये एक्सेसिव डेप्रिसिएशन भी होगा। आप कहेंगे 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? अच्छा, मैं तो सिर्फ एक बात पूछता हूं आपसे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट की क्या आपने? आप कहेंगे सर देखें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ये है कि आपने बिल्डिंग डेबिट कर दिया 10 से, और गुडविल डेट से क्रेडिट कर दिया है, और एनसीआई भी हुआ है। अबे फुल गुडविल और प्रोपोर्शन है गुडविल, ये होगा। और सर देखिए ये जो एक्सेसिव डेप्रिसिएशन है ना, अब ये किस कॉन्सेप्ट से? एक एसेट की वैल्यू हमने 10 से इंक्रीज की थी बाय IFRS 3 के अकॉर्डिंगली, अपवर्ड किया था हमने, तो डेफिनेटली अब ये एक साल गुजरने पे बिका तो है नहीं, तो जो बिल्डिंग की वैल्यू अप हुई थी अब वो एक साल डेप्रिशिएट हो गई, क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन है तो क्रेडिट हो गया, लेकिन अब वो सीआरई और एनसीआई से एडजस्ट होगा। सर देखिए ये एडजस्टमेंट एक्विजिशन का है और ये रिपोर्टिंग डेट का है, ये भाई अब आराम से सोचें, अभी रिपोर्टिंग डेट ही सोचा एक्विजिशन को, मैंने बिल्डिंग की एसेट बढ़ाई किस कॉन्सेप्ट से? इंक्रीज की। किस कॉन्सेप्ट से इंक्रीज किया? बिल्डिंग की वैल्यू मैंने इंक्रीज किया है। किस कॉन्सेप्ट से इंक्रीज किया? मैंने इस कॉन्सेप्ट से इंक्रीज किया है, बिल्डिंग की वैल्यू मैंने इंक्रीज जो की है वो किस कॉन्सेप्ट से की है? मैंने बिल्डिंग की वैल्यू इस कॉन्सेप्ट से इंक्रीज किया है, मेरे दोस्त मेरे दोस्तों, बिल्डिंग की वैल्यू इस कॉन्सेप्ट से इंक्रीज किया है जनाब, कि ये इसकी वैल्यू अप हो गई है, और ये अगर फ्यूचर में बिकेगा तो ये गेन होगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो डेफर टैक्स के अकॉर्डिंगली अगर मैंने गेन बुक किया है तो गेन पे होने वाला टैक्स भी इनकॉर्पोरेट होगा। गेन पे इनकॉर्पोरेट होने वाला टैक्स भी इनकॉर्पोरेट होगा। अब जो डेफर टैक्स की इंप्लीमेंटेशन है, वो ये बोलती है कि आपका कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब है कंसोलिडेटेड बुक्स, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। वो 1000 प्लस 100 1100 थी, लेकिन जो टैक्स बेस है वो तो कंसोलिडेटेड बुक्स नहीं होगी ना, इंडिविजुअल बुक्स। इंडिविजुअल बुक्स का मतलब इंडिविजुअल बुक्स में वो अप नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्विजिशन अकाउंटिंग का मसला है। सब्सिडी के इंडिविजुअल बुक्स में एडजस्ट नहीं हुआ है, सब्सिडी के इंडिविजुअल बुक्स में ये एडजस्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सब्सिडी के इंडिविजुअल बुक्स में एडजस्ट नहीं हुआ ये, तो इसका जो टेम्पररी डिफरेंस है वो आया 1100, और ये सब एक्विजिशन डेट है।
इन अ सिंपल वर्ड कैरिंग अमाउंट एक्सीड करेगा टैक्स बेस से, एसेट का केस है तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। टीटीडी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपको ये टेबुलर बनाने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो इक्वल टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना, बस खत्म। आप कहेंगे जितना भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उससे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आया है, ना आप कैरिंग अमाउंट लिखे ना टैक्स बेस लिखे। और आप इस पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मिसाल के तौर पर टैक्स रेट 30% है, इस बात पे आके मैंने ज्यादा लिख दिया। ये मेरा मैथमेटिकल मिस्टेक है, सही कर रहा हूं उसको। और ये आ जाएगा मैटर 3 से, और ये हो जाएगा डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो जैसे ये एंट्री बनी थी ना बिल्डिंग डेबिट, तो एसेट डेबिट हुआ था, नेट एसेट बढ़ गया था, तो जब डेफर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगा डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, तो डेफिनेटली लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो गुडविल डेबिट एनसीआई डेबिट। पहले बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? रिप्लाई करिएगा प्लीज। हेलो, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा बेटा, जिस तरह से डेफर्ट और ये एक्विजिशन डेट पे हुआ है, ये एक्विजिशन डेट पे हुआ है, जिस तरह से डेफर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी है ना मेरे दोस्तों, यहां पर अब एसेट के बढ़ने पे, तो एसेट डेप्रिशिएट भी तो हुआ है ना, तो जैसे एसेट बढ़ा था तो गुडविल को लेके और एनसीआई को लेके इंक्रीज हुआ था। जब एसेट डेप्रिशिएट हुआ है तो वो रिवर्स हुआ है, वो सीआरई और एनसीआई पे हुआ है, रिवर्स जो है वो सीआरई और एनसीआई पे हुआ है। तो एक एडजस्टमेंट पोस्ट एक्विजिशन भी होगी, यानी कि रिपोर्टिंग रेट पे। और रिपोर्टिंग रेट पे क्या होगा, रिवर्सल ऑफ डेफर टैक्स लायबिलिटी, और ट्रांजेक्शन बनाएंगे डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट एंड सीआरई एंड एनसीआई, और किस अमाउंट से, ये जो डेप्रिशिएट हुआ ना 1, इसी पे अप्लाई होगा रिवर्सल, यानी कि 1 का 30%।
जो बिहेवियर एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का होगा ना, उसी के साथ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा, और जो बिहेवियर एसेट के डेप्रिसिएशन का होगा वैसे ही रिवर्स होगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में, इन अ सिंपल वर्ड, सुनिएगा बात, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एंड डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, इधर सुनिएगा। तो आप कहेंगे अगर अपवर्ड है तो एक्विजिशन रिपोर्टिंग, आप कहेंगे एसेट डेबिट गुडविल क्रेडिट एनसीआई क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गए। डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट क्या होगा? गुडविल डेबिट, एनसीआई डेबिट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। रिपोर्टिंग में क्या होगा? एक्सेसिव डेप्रिसिएशन के साथ एसेट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, एनसीआई डेबिट, और इस पर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। ये तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना, इस पर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट सीआरई एनसीआई। पहले बताइए, समरी समझ में आई सबको? हाँ, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर पूरी समझा दी है। हाँ बच्चों, हेलो, दूसरी बात सुने गौर से यार। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, स्टेटमेंट देखो मेरा क्या है। इन केस ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाउनवर्ड तो क्या होगा? नहीं, ऐसे नहीं सोचे। ऐसे नहीं सोचे, सब उल्टा। ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट का, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा। यानी कि खुद सोचे ना, अगर एक्विजिशन डेट पे आपने कहा कि फेयर वैल्यू डाउन हो गई है,
तो एसेट तो क्रेडिट होगा ना, एसेट क्रेडिट होने पे गुडविल डेबिट होगा, एनसीएल डेबिट होगा। और जब टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो जब नेट एसेट की वैल्यू कम होगी, यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस है कुछ भी है, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करेगा। तो गुडविल क्रेडिट, एनसीएल क्रेडिट, पहले बताया तक समझ में आ रही है बात? रिप्लाई करेंगे सब लोग। भौली साहब छोड़ दे इस मैटर को, परेशान ना हो। डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट हमेशा टैक्स रेट के साथ होता है। 100 रुपए कमाएंगे तो 30% टैक्स होगा ना, सीधी बात है। फिर बाद में बोला गया नहीं नहीं 100 रुपए नहीं, 10 रुपए कम है, तो टैक्स का 10 रुपए कम होगा या 30 रुपए, 30% के हिसाब से कम होगा। 100 रुपए कमाए, 30% टैक्स, 30 रुपए। बाद में बोला गया नहीं नहीं 10 रुपए कम कर दो, 10 रुपए कम करोगे तो टैक्स थोड़ी 10 रुपए से कम होगा, 10 रुपए का 30% कम होगा ना दोस्त। तो इन केस ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाउनवर्ड, ये सब बता रहा हूं मैं, जब डाउनवर्ड होगा तो ये गेम है। अच्छा, जब डाउनवर्ड होगा तो रिपोर्टिंग डेट पे दोस्त ये जो डेप्रिसिएशन है इसको मैं एक्सेसिव तो नहीं कहूंगा ना। अब डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं होगा, उल्टा कम हो जाएगा। जो एसेट मैंने कम किया था वो डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ जाएगा, मतलब मैं डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा। सीआरई डेबिट, एनसीएल डेबिट, एनसीएल क्रेडिट। और उसमें टैक्स रेट अप्लाई करूंगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट होगा, तो सीआरई के थ्रू एडजस्टमेंट होगी ना। सॉरी, तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट, सीआरई और एनसीआर डेबिट। आप सही कह रहे थे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, लेकिन उल्टा ऐसे नहीं होगा, उल्टा होगा विद द गेम ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट। बस ये बात याद रखना, जो प्रिंसिपल ओरिजिनल का चल रहा है ना, उस वैसे इंपैक्ट होगा डेफर्ड टैक्स का भी। ओरिजिनल का मतलब है ये साइड ओरिजिनल है, वैसे रिफ्लेक्ट करेगा डेफर्ड टैक्स पे। गुडविल एनसीआई से एसेट क्रेडिट हुआ है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट जो डेवलप होगा वो गुडविल एनसीआई से होगा। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में एसेट रिवर्स हुआ है, वापस आया है सीआरई एनसीआई से, तो डेफर्ड टैक्स एसेट जब रिवर्स होगा तो सीआरई और एनसीआई से होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एब्सोल्युटली राइट। पैरेंट ने सब्सिडी को 60% एक्वायर किया। अब सबसे पहले सोचें, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट 5000 था, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है कि एक बिल्डिंग है उसको फेयर वैल्यू पे लाने के लिए
उसकी 500 वैल्यू कम करनी है, तो फेयर वैल्यू नेट एसेट, या चलो 1000 से कम कर दो, टू हंड्रेड से कम करनी है, तो फेयर वैल्यू नेट एसेट 4800। अबे तो पहली बात तो ये इंडिविजुअल बुक्स में थोड़ी बिल्डिंग की वैल्यू फेयर वैल्यू पे आई है, और उसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। अबे तो क्या होगा भाई, मैं कहूंगा सबसे पहली बात, सर ये जो आपने एक्विजिशन करेंगे ना तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट चाहिए, तो फेयर वैल्यू नेट एसेट में तो भाई बिल्डिंग की वैल्यू तो 200 से कम की ना, बाद में डेफर टैक्स, तो गुडविल एन एन सी आई 60%, 40%, 120, 80, तो ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुआ ना बेटा। अब डेफर टैक्स लायबिलिटी, ओए सॉरी डेफर टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स आपकी मर्जी है, आप पूरी डिटेल में करें, आप डिटेल में करेंगे तो क्या होगा, कैरिंग आउट टैक्स बेस, आप कहेंगे नेट एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंगली वो 480 है, इंडिविजुअल बुक्स में 500 है, तो टैक्स टेम्पररी डिफरेंस कितना आया, 200। आप कहेंगे एसेट का कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, इस पे मिसाल के तौर पे टैक्स रेट 30% है, तो सीधी बात है भाई 200 का फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है डाउनवर्ड, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 200 डाउनवर्ड, तो इस पे आप 30% अप्लाई कर दें, आप कहेंगे सीधी बात है सर डेफर टैक्स एसेट डेबिट सीआरई एनसीआई 60 24, भाई समझ में आ गया सबको, रिप्लाई नहीं करेंगे आगे नहीं जाऊंगा, रिपोर्टिंग डेट पे क्या होगा दोस्त, पहले तो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होगा, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट क्या होगा, बोला क्या भाई एसेट की जो वैल्यू आपने फेयर वैल्यू पे कम हुई थी एक साल बाद इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन 5000 पे हो रहा, हमारा 4800 पे हो रहा, तो सब्सिडी की जो इंडिविजुअल बुक्स है उसमें डेप्रिसिएशन 5000 पे हो रहा है, तो जब हम कंसोलिडेट करेंगे 5000 पे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगा, ये बात समझ में आती है ना, तो हम जब सब्सिडी की इंडिविजुअल बुक्स उठाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन 5000 ज्यादा पे चार्ज हो रहा होगा, तो हम कहेंगे हमारे पास तो एसेट की वैल्यू ही कम है तो डेप्रिसिएशन कम करो, तो एसेट डेबिट सीआरई एंड एनसीआई
कितनी लाइफ है इसकी? 5 साल, 200 डिवाइड बाय 5, 40। अब जब एसेट की वैल्यू को बढ़ाया तो डेफर टैक्स एसेट रिवर्स हो जाएगा, टैक्स रेट। तो डेफर टैक्स एसेट क्लोज, हाँ इंटेंजिबल में भी आएगा, ब्रांड वगैरह सब पे होगा ये। वैसे तो ब्रांड तो अपवर्ड है ना यार, अभी लिख दूंगा मैं 12 7.2 4.8 बेटा, ये जो सारा गेम है ना, ये इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट जो वर्कआउट है वो उसमें भी आएगा। आप समझ गए ना बात सारी? भाई ये जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, ये क्या है? ये जितना पढ़ा है मैंने, ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है ना, तो सीधा सुनो मेरी बात, ये अपवर्ड भी है, ये लिख दूं मैं यहां पर, प्लस इनटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन एट एक्विजिशन अकाउंटिंग, ये सब पे अप्लाई होगा। ये अब दूसरी बात सुनो दोस्त, इधर एक और बात सुनो, डेफर टैक्स एंड अनरियलाइज प्रॉफिट, डेफर टैक्स एंड अनरियलाइज प्रॉफिट। बेटा इसमें ना हमेशा डेफर टैक्स एसेट आता है। अच्छा आपको पता है अनरियलाइज प्रॉफिट जो है ना, वो एक पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट है, ये एक्विजिशन डेट की नहीं होती, एक्विजिशन के बाद होती है कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ये सब बातें, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेफर टैक्स एसेट आएगा,
ये बात कान खोल के सुन लें, कैसे आराम से सुने, और जो बिहेवियर कंसोलिडेशन का होगा ना वही डेफर टैक्स का होगा। मतलब आराम से सोचें, एग्जांपल, पेरेंट सबसे रिलेशनशिप 80% का है, पेरेंट ने सोल्ड किया गुड्स सब्सिडी को, वैल्यू 10,000, प्रॉफिट 4,000, अनसोल्ड 5,000। अबे जिसने कल भी क्लास ली थी भाई उसको पता है ना ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा बताओ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा, अगर 10,000 में 4,000 है टोटल प्रॉफिट, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा 2,000। अब जाहिर सी बात है जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है वो दो है, नंबर वन सेल्स डेबिट, परचेजेस मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये इररिस्पेक्टिवली कितना प्रॉफिट है 10,000, और नंबर टू इसको कहते हैं इंट्रा ग्रुप सेल्स, कि सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट से आपने क्या किया, सबको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया आपने, इंट्रा ग्रुप सेल्स परचेस सब खत्म कर दिया आपने, इसका कोई डेफर टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। अब इसमें क्या करूं, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसमें क्या, इस एंट्री पे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, एक तरफ सेल्स डेबिट हो रही है दूसरी तरफ परचेज क्रेडिट हो रही है, खत्म। हाँ बेटा ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, किसको प्रॉफिट हुआ है, पेरेंट को, तो सीआरई डेबिट, और इन्वेंटरी किसके पास है, सब्सिडी के पास, तो 2,000 से ये हो गया। अबे भाई इसमें तो मसला नहीं है ना, हाँ इसका होता है डेफर टैक्स एडजस्टमेंट, इसमें करेंगे हम क्या, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, आराम से सोचें। सबसे पहले क्या बोला गया था बच्चों, कैरिंग अमाउंट हमेशा ग्रुप अकाउंट्स होते हैं, सोचिए जब इन्वेंटरी एडजस्ट होगी तो ये 5,000 में से जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसमें 2,000 कम हो जाएगा, तो ग्रुप अकाउंट्स में जो इन्वेंटरी है वो 3,000 की होगी, और इंडिविजुअल बुक्स में
5,000 होगा, पहले बताओ यस और नो। अब यहां तक समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। तो टेम्परेरी डिफरेंस आया 2,000, और ये बोलूंगा ये एसेट है, कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर मिसाल के तौर पर टैक्स रेट 30% है तो 600 का डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। सर एंट्री क्या बनेगी? अबे भाई एंट्री क्या होगी? जो बिहेवियर इसका होगा ना कंसोलिडेशन का वही आएगा। रिप्लाई करेंगे प्लीज। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। हेलो हेलो, हेलो, हेलो हेलो, वॉइस भी जाती है क्या? वोट जूम पे है? जूम पे वॉइस जाती है क्या? आई मीन के वॉइस रिकॉर्ड होकर चैट रूम में जाती है क्या? पता नहीं यार, मैं जूम पे इतना कंफर्टेबल नहीं होता वैसे हमेशा से। इसमें प्राइवेसी कंटेंट बहुत कम है। तुम लोग तो मेच्योर स्टूडेंट हो एसबीआर एएफएम के ना। अबे वो एफएम वालों को पढ़ा, वो पता नहीं क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे होते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आता मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में हूं तो अपना नाम चेंज करके क्यों आऊं। नाम चेंज तो छोर करते हैं। गो टू वेबिनार बेस्ट है यार, बहुत कंट्रोल होता है उसके पास, होस्ट के पास। इसमें प्राइवेसी कॉन्टेंट बहुत क्वेश्चन मार्क है जूम पे। आई डोंट लाइक जूम ना। खैर बार चल तो रहना काम फिलहाल, क्योंकि हमारी कॉम भी था ना, बस चितला काम तो चलने दो बस। अच्छा खैर बार, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गई होगी बात। अब मैं आपसे एक बात, एक और कुछ नहीं है, ये रहा बस हो गया। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं सर, इतनी लंबी कहानी करने की क्या जरूरत है डेफर टैक्स के लिए? भाई सिंपल, एग्जाम पॉइंट ना, अनरियलाइज प्रॉफिट पे डेफर टैक्स एसेट होगा, खत्म। कितना होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट, खत्म हो गई बात। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना? 2000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 600, खत्म। ये रहा, हमें क्या जरूरत है ये पंचायत पालने की? ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं करें, कौन माना कर रहा? लेकिन यार जाहिर सी बात है, अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह है तो आप मेंशन कर सकते हैं। आप 5 नंबर लिखना है इसके ऊपर, तो आप कहेंगे सर ये 5 नंबर में मैं ये थोड़ी लिख सकता हूँ सिर्फ, फिर ये पीछे तमीज बांध दूंगा सारे। एक बात, अच्छा दूसरी बात, इसी के अंदर यार अगर मैं ये कहूं एग्जाम्पल 2 बना दू इसी को,
एग्जाम्पल टू अबव केस इफ सब्सिडी सोल्ड गुड्स टू पेरेंट सब्सिडी ने पेरेंट को सेल किया अगर फिर क्या करेंगे हम तो भाई आपके कंसोलिडेशन में क्या हुआ है इन्वेंट्री क्रेडिट सीआरई एनसीआर यानी कि प्रॉफिट किसको है सब्सिडी को तो 80% पे 20% पे 1600 400 और ये 2000 भाई इस स्ट्रक्चर में तो चेंज ही नहीं आएगा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्या मतलब कैरिंग अमाउंट ग्रुप अकाउंट्स में कितना है 3000 टैक्स बेस इंडिविजुअल बुक्स में पेरेंट के पास 2000 से होगा तो सर इसका इंपैक्ट बता दें रिलेटेड टू डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने कहा ना जो बिहेवियर रिपोर्ट कंसोलिडेशन का होगा वही डेफर्ड टैक्स का होगा आप कहेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट 600 से एट्टी ट्वेंटी 480 120 ये भी हो गया अब एक लास्ट पॉइंट समझाना बस लास्ट पॉइंट समझाऊंगा क्लास खत्म दूसरी बात सुने बात देखो मुझे एक लास्ट पॉइंट समझाना है तुम्हें ग्रुप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा बात बेटा पॉइंट जरा टेक्निकल है हर कुछ वैसे नहीं है जैसे कि ऊपर आ रहा है बस अनलिमिटेड अर्निंग्स इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझे देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं बात सुनिएगा पॉइंट यह है जनाब अली पीछे जो पॉइंट है ना उससे लिंक नहीं है एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड अर्निंग्स इसको समझना है मैं अच्छी तरीके से पहले मैं पेरेंट और सब्सिडी के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं पहले मैं पेरेंट एंड सब्सिडी के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं सुनिएगा पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया 80% और एक्विजिशन जो है ना 1 जनवरी 2020 है रिपोर्टिंग जो है वो 31 दिसंबर 2020 है
जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, पेरेंट की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है फर्स्ट। जो नेट एसेट सब्सिडी के है ना वो एक्विजिशन डेट पे 1 जनवरी 2020। वो 80,000 के शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स डेफिनेटली 1 जनवरी 2020 से लिखा है, दोबारा लिख रहा हूं वैसे, वो है 30,000। गुडविल बता सकते हैं जल्दी से मुझे? नहीं 30,000 नहीं, 50,000 है, सॉरी। गुडविल बता सकते हैं मुझे जल्दी से? गुडविल बताइए भाई क्या हो गया यार? अबे 80% खरीदा है, अच्छा अच्छा अगर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, वैसे मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से यही बात, बेटा गुडविल कैसे होगी? नहीं, गुडविल नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन भाई बाद में पड़ेंगे। अगर मैं 1,10,000 कर दूं, गुडविल बताएं, चले जी आ जाए बात, इधर सुने बात, ठीक है डन है, कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये केस है, वंस अगेन पेरेंट ने सब्सिडी का एक्वायर किया है 80%, 1 जनवरी 2020 है, 31 दिसंबर 2020 रिपोर्टिंग डेट। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट करी 1,10,000 की, सब्सिडी के नेट एसेट 1,30,000 है, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर मैं इधर सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर मैं कहता हूं इंडिविजुअल बुक्स क्या कहता हूं, इंडिविजुअल बुक्स मेरे दोस्तों इधर सुनो, इंडिविजुअल बुक्स, तो आप कहेंगे इंडिविजुअल बुक्स में है इन्वेस्टमेंट, और पेरेंट की बात करो इन इक्विटी शेयर्स 1,10,000 इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स 1,10,000 ये लिखा हुआ है सर, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स 1,10,000। और मैं कहता हूं कि अगर पेरेंट कंसोलिडेट कर दे, किस डेट को कंसोलिडेट कर दे, एक्विजिशन डेट को, इसी डेट को कर दे, तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनाओ जरा, नेट एसेट 100%,
फेयर वैल्यू है, अज्यूम कर रहे बुक वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लोज, एक लाख दस हजार। सर एनसीआई 130 मल्टीप्लाई बाय 20%, छब्बीस हजार, और बाकी डिफरेंस आ गया गुडविल। बस आपने गुडविल डायरेक्ट कैलकुलेट किया कि मैंने डबल एंट्री से कैलकुलेट की, भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई सब लोग बोले ना। अच्छा अब अगर मैं ये बोलूं, इधर मेरी बात सुने, अगर मैं ये बोलूं मेरे पास टैक्स अथॉरिटी आती है, मेरे पास कौन आती है, मेरे बच्चों, टैक्स अथॉरिटी, मेरे पास टैक्स अथॉरिटी आती है और टैक्स अथॉरिटी मेरी इंडिविजुअल बुक्स उठाती है, इंडिविजुअल बुक्स, तो ये इसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा एक लाख दस हजार, और उसके बाद वो कहेगी अच्छा यार ये एक लाख दस हजार है, तुमने एक और चीज बनाई हुई है जिसको तुम कह रहे हो कंसोलिडेशन, तो ये बताओ ये कंसोलिडेशन में मैथमेटिकली एक लाख दस हजार कहां है? क्योंकि उसको इस कंसोलिडेशन बुक्स में एक लाख दस हजार इन्वेस्टमेंट के नाम से तो नहीं होगा ना। इशू समझ में आया? टैक्स वाले पूछते हैं यार एक लाख दस हजार की इन्वेस्टमेंट है इंडिविजुअल बुक्स में, ये जो तुमने ग्रुप अकाउंट्स बनाए इसमें ये एक लाख दस हजार का है। अब सुनिएगा, असल में मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं डेफर्ड टैक्स अप्लाई करूं, डेफर्ड टैक्सेशन अप्लाई करूं, डेफर्ड टैक्स एक्विजिशन डेट पे, तो पता ही क्या होगा, मैं लिखूंगा कैरिंग अमाउंट, मैं लिखूंगा टैक्स बेस, मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है ना, तुम्हें पता है अच्छी तरीके से जो टैक्स बेस होता है ये होता है कैरिंग अमाउंट, जो होता है मेरे दोस्त ये ग्रुप होते हैं, और टैक्स बेस जो होता है ना वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल बुक्स में तो टैक्स बेस ये रहा, क्योंकि इंडिविजुअल मतलब टैक्स बेस इंडिविजुअल बुक्स एक लाख, लेकिन अगर मैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग मांगू तो वो क्या होगा? ग्रुप के अकॉर्डिंगली मैं ये लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूं गुडविल, गुडविल 6000, और फेयर वैल्यू नेट एसेट एक्विजिशन में शेयरिंग, तो वो होगा 130000 इंटू 80%, एक लाख तीस हजार है बच्चों, ये रहा एक लाख तीस हजार, इसका 80%, तो ये बनता है एक लाख चार हजार। तो ये भी
आपके पास आता है 1,10,000। अच्छा, मैंने गलती से 1,00,000 लिखा, ये 1,10,000 है। यानी कि मुझसे ही पूछे टैक्स अथॉरिटी, ये बताइए जनाब अली, ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल बुक्स है 1,10,000, ये ग्रुप अकाउंट्स में कहां है? तो मैं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा टैक्स अथॉरिटी को, एक्विजिशन, अगर अज्यूम करें एक्विजिशन डेट को मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा इंडिविजुअल बुक्स में जो 1,10,000 है ना, ग्रुप अकाउंट्स में इंडिविजुअल डेट पे उसकी शक्ल चेंज होके गुडविल और शेयरिंग एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट आ गया 1,10,000, लेकिन वैल्यू बराबर है। इसका मतलब यह कि पहले दिन मैं ये लिख दूं नो डिफरेंस, जो इंडिविजुअल बुक्स में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ 1,10,000 वो ग्रुप अकाउंट्स में अपनी शक्ल चेंज कर चुका है, गुडविल हो चुका है और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट हो चुका है। लेकिन डिफरेंस कोई नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हमने एक्विजिशन अकाउंटिंग करी है, तो एक्विजिशन अकाउंटिंग करते हुए अगर एक्विजिशन डेट पे खड़े हुए तो एक बैलेंस शीट में अकाउंट होता है इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में अकाउंट होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, वो नेम चेंज हो गया ग्रुप अकाउंट्स में, गुडविल और नेट एसेट की शेयरिंग, नो चेंज। लेकिन बेटा इधर मेरी बात सुनो, दूसरी बात, इस पूरे सिनेरियो में बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, December 31, 2020, शेयर कैपिटल 80,000, रिटेन अर्निंग 10,000 कमा लिए तो 60,000 हो गए, और ये हो गया 1,40,000। तो जो पोस्ट एक्विजिशन चेंज है ना वो 10,000 है, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ये। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है दस हजार। इसके बारे में जरा गौर से सुने, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 10,000। अब अगर मैं ये कहूं कि अगर मुझे डेफर टैक्स का मैटर, अब मैं कंसोलिडेशन, अब मेरा ये रिपोर्टिंग रेट हो गया है अच्छा, इस रिपोर्टिंग रेट में चीजें आगे बढ़ी हैं, यानी कि नेट एसेट डेबिट 10,000 से सीआरई एनसीआई 8,000 2,000, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। अब अगर मैं ये कहता हूं, सुनिएगा बड़े काम की बात है,
अगर मैं ये कहता हूं कि डेफर्ड टैक्स का मैटर इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे सब, डेफर्ड टैक्स का मैटर है और डेफर्ड टैक्स में खड़ा हुआ हूं कब, रिपोर्टिंग डेट में, तो कैरिंग अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो 1,10,000 है, लेकिन अब इधर मेरी बात सुनना गौर से, सॉरी टैक्स बेस में इंडिविजुअल बुक्स में ये तो 1,10,000 है, लेकिन ये जो कैरिंग अमाउंट है ना, इसमें नेट एसेट इसमें जो नेट एसेट का मैटर है वो अब बढ़ चुका है, क्योंकि अब ये सिर्फ ये बोल के नहीं चला जान छुड़ा सकते कि गुडविल है और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है, अब इसमें जो नेट एसेट है ना उसमें गुडविल भी है और नेट एसेट बढ़ चुके हैं। हाँ गुडविल 6,000 है, हाँ, और वो 1,40,000 में 80% है, तो अगर मैं 1,40,000 इंटू 80% करूं तो ये 1,12,000 प्लस दिस, तो 1,12,000 1,12,000 प्लस 6,000 यह है 1,18,000, 1,18,000 और इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो है 8,000, और ये जो 8,000 है वो एक्चुअल में जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 10,000 उसमें शेयरिंग है। पहले बताएं यहां तक समझ में आई ये बात, अभी डेफर टैक्स कैसे बुक होगा वो बात की बात है, लेकिन ये टेम्पररी डिफरेंस कैसे आ रहा है वो समझ में आ रहा है। हेलो सब लोग रिप्लाई करें, बेटा कान खोल के एक बात सुन लें, जब हम कंसोलिडेशन को एक्विजिशन डेट से आगे लेके चलते हैं ना, जब हम कंसोलिडेशन को आगे लेके चलते हैं तो होता क्या है, होता क्या है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आता है, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, हां ये पेरेंट का शेयरिंग है, और मैं एक बात कह रहा हूं समझने की कोशिश करें, कंसोलिडेशन जो हम करते हैं ना वो बुक वैल्यूज पे करते हैं, उसका मार्केट की फेयर वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता। दोबारा कह रहा हूं, कंसोलिडेशन जो हम करते हैं वो फेयर वैल्यू पे करते हैं, ओ सॉरी बुक वैल्यू पे करते हैं। आप मुझे सोचे ना, सोच के बताएं, सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आप अपने पास इन कर रहे होते हैं, सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपने पास इन कर रहे होते हैं, सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपने पास इन कर रहे होते हैं, तो सब्सिडी का जो बैलेंस शीट का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो आप अपने पास
इन कर रहे होते हैं। ये देखें, एक्विजिशन के बाद सब्सिडी का जितना प्रॉफिट है वो आपने इन किया है। जितना प्रॉफिट है वो इन किया आपने। क्या सब्सिडी एक साल बाद उसकी शेयर मार्केट इसी अमाउंट से बढ़ी होगी, 10,000 से? पहले बताओ यस और नो। क्या स्टॉक मार्केट की प्राइस इसी से बढ़ी होगी? नहीं, जरूरी तो नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, कंसोलिडेशन इंपैक्ट बुक्स में है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्या कह रहा हूं जरा सुनिए। तो लास्ट पॉइंट कह रहा हूं, वो जरा गौर से सुने। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पता है क्या इस वक्त? हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है, सुनिए, ये पूरा केस समझ लें। आप पेरेंट है, मैं सब्सिडी हूं। आप पेरेंट है और मैं क्या हूं? सब्सिडी हूं। तो पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया और उसके नेट एसेट बढ़ गए, ठीक है? जब नेट एसेट बढ़ते हैं तो नेट एसेट डेबिट सीआरई और एनसीआई, ये ट्रांजैक्शन बनता है। भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप आंसर करिएगा। आराम से सुनिए, तहम्मुल के साथ मुझे रिप्लाई करें। जब ये सब्सिडी डिविडेंड देगी तो सब्सिडी के प्रॉफिट बढ़ा था तो ये आपने एंट्री बनाया ना। व्हेन सब्सिडी डिक्लेयर डिविडेंड, जब क्या होगा? बताएं भाई, नेट एसेट कम हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट क्या होगा? नेट एसेट क्रेडिट सीआरई एंड एनसीआई डेबिट। सब्सिडी ने डिविडेंड दिया तो इंडिविजुअल बुक्स में डिविडेंड आया ना दोस्त। सब्सिडी ने डिविडेंड दिया तो इंडिविजुअल बुक्स में डिविडेंड आया ना। इंडिविजुअल बुक्स में डिविडेंड आया, नेट एसेट्स को कम हो जाएंगे ना, तो उसका मतलब है प्रॉफिट बढ़ने से शेयरिंग आता है, प्रॉफिट कम होने से शेयरिंग कम हो जाता है। पहले बताएं, यहां तक समझ में आई बात? सब लोग बताएंगे तो मैं आगे जाऊंगा। तो उसका मतलब है जब डिविडेंड आता है ना, डिविडेंड, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं डिविडेंड के आने पे। दूसरी बात, एक और बात, तीसरी अलग बात है, मुझे एक बात बताएं, पेरेंट का कंट्रोल होता है सब्सिडी के ऊपर, यस और नो?
तो कंट्रोल आएगा तो सब्सिडी पे सब्सिडी बनेगी ना, तो कंट्रोल डिविडेंड ऑफ सब्सिडी भी तो होगा ना। पेरेंट का सब्सिडी का डिविडेंड देना नहीं देना, ज्यादा देना कम देना, इसको कंट्रोल कह रहा हूं। इसको कह रहा हूं कंट्रोल, ये पेरेंट के हाथों में है। लेकिन अगर मैं कहता हूं, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है एसोसिएट पे, तो मैं भाई सुनिएगा, मैं एसोसिएट पे कंट्रोल नहीं रखता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इस केस में डिविडेंड कंट्रोल इन्वेस्टर का नहीं होता, ये याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता, लेकिन बाय एग्रीमेंट हो सकता है, बाय एग्रीमेंट हो सकता है, किसी क्लॉज वगैरह में, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता। अब मैंने ना अलग अलग बातें पढ़ाई हैं, क्या बात बताइए, मैंने आपको सबसे पहले बताया पेरेंट जब सब्सिडी की अकाउंटिंग अगर कंसोलिडेशन करे रिपोर्टिंग रेट पे, तो ये वर्ड इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि कुछ चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट का नाम चेंज हो जाता है गुडविल और फेयर वैल्यू नेट एसेट, एक बात। लेकिन जब ये आगे चलते हैं तो सब्सिडी का जितना प्रॉफिट आता रहता है, सब्सिडी का जितना प्रॉफिट आता रहता है, जितना प्रॉफिट आता रहता है बच्चों, वो क्या होता है आपके पास, डिफरेंस आता रहता है, डिफरेंस। जब डिफरेंस कब तक आते हैं, जब तक सब्सिडी प्रॉफिट कमाती है, ये प्रॉफिट है, इधर सुनिएगा, अब मैं असल बात कह रहा हूं, जब तक कमाती है, कमाने का मतलब है जब तक सब्सिडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अनडिस्ट्रीब्यूट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स कह लें या रेमिटेंस कह लें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, याद रखिएगा, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा या रिमिट होगा, रिमिट, रिमिट का वर्ड यूज होता है फॉरेन सब्सिडी के लिए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकल सब्सिडी हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, फॉरेन सब्सिडी हो तो रिमिटेंस। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डिविडेंड जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो बाय नेम डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड का कंट्रोल पेरेंट और सब्सिडी के केस में पेरेंट के पास है, लेकिन सब्सिडी के पास नहीं है, सॉरी एसोसिएट के केस में इन्वेस्टर के पास नहीं है। पहले बताएं, जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक समझ में आ रहा है, बोले भाई जल्दी से, क्योंकि अब इन सबको मैं नेट करूंगा, ओए नेट कह रहा हूं, ग्रॉस अप करूंगा एक जगह पे। सुनिएगा बात, बेटा ये पढ़ाना है मैंने, ये पैराग्राफ,
अनरिमिटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए। कहते हैं सबसे पहली बात, आराम से सुन ले, मैं रिपोर्टिंग डेट पे खड़ा हूं, मैं लिखा हूं कैरिंग अमाउंट, मैं लिख रहा हूं टैक्स बेस। ठीक है, और मैं लिख रहा हूं टेम्परेरी डिफरेंस, मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडी। टैक्स बेस में इंडिविजुअल बुक्स और कैरिंग अमाउंट में सब्सिडी के नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट। तो पता चला सब्सिडी के नेट एसेट रिपोर्टिंग डेट में और प्लस गुडविल, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स है, और उसमें हमारा शेयरिंग बच्चा 8,000 है और वो है फॉर एग्जांपल 10,000। यानी कि पॉइंट क्या हुआ, सब्सिडी ने जो प्रॉफिट कमाया है, सब्सिडी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो आपने प्रॉफिट अपने पास बुक कर लिया है। अब सवाल यह है क्या इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल है। तो आप कहेंगे इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हो सकती है, यस। इफ इफ एक्सेप्शन के दो क्राइटेरिया ना मीट हो जाए, 1+2, अगर एक्सेप्शन के दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए तो आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक नहीं कर सकते। इस 10,000 पे आपने एंट्री बनाई हुई है नेट एसेट डेबिट, सीआरई सीआरई पेरेंट है और एनसीआई एनसीआई है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये मुद्दा समझ में आया? मुद्दा क्या है, मुद्दा का मतलब है इशू समझ में आया कि हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सब लोग रिप्लाई करें भाई, क्लास अपने आखिर मराइल पे, बस एफएम वाले वेट कर रहे हैं मेरा। हेलो, सब लोग रिप्लाई करें, हम डेफर्ड टैक्स बुक कर सकते हैं या डेफर्ड टैक्स बुक नहीं कर सकते, डेफर्ड टैक्स बुक कर सकते हैं या डेफर्ड टैक्स बुक नहीं कर सकते, इसके ऊपर बात हो रही है। कहते हैं डेफर्ड टैक्स जब बुक करेंगे जब ये दोनों एक्सेप्शन का क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। अब वो दो क्राइटेरिया क्या है, दो क्या है मैटर भाई, दो का मतलब पता ही क्या होगा, एक इशू नंबर वन क्या होगा, टाइमिंग ऑफ रिवर्सल। टाइमिंग ऑफ रिवर्सल का मतलब डिविडेंड, आपको पता है जब डिविड ये प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा
जब डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड कंट्रोल में हो, तो आप कहेंगे पेरेंट के केस में तो होगा कंट्रोल में, एसोसिएट के केस में नहीं होगा। प्लस फोर्सिएबल फ्यूचर में डिविडेंड एक्सपेक्टेड नाउ, क्या मतलब फोर्सिबल फ्यूचर में डिविडेंड एक्सपेक्टेड नाउ। भाई आप पेरेंट हैं, हो सकता है कोविड 19 हालात खराब, रीस्ट्रक्चरिंग, आप कहते हैं 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक कोई डिविडेंड नहीं। एक तो आपके कंट्रोल में हो और रिवर्सल एक्सपेक्टेड ना हो, यानी कि डिविडेंड एक्सपेक्टेड ना हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए तो डेफर टैक्स बुक नहीं होगा। नहीं हो रहे मीट, बुक कर दो डेफर टैक्स। अभी ये लिखा हुआ यहां पे, अब खत्म हो गई क्लास, पढ़ो। पहले पढ़ो खुद से। कहते हैं अ टेम्पररी डिफरेंसेस अराइजेस, मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? हेलो, ओके। कहता है टेम्पररी डिफरेंसेस अराइजेस When the carrying amount of the investment in the subsidiary, associate, joint venture is different from tax base. इसके ऊपर मैंने बड़ा लंबा भाषण दिया। Carrying amount in the consolidated financial statement is the investor shares of the net asset of the investee plus goodwill. ये carrying amount होता है। Tax base is usually the cost of the investment. The difference is the unlimited earnings, undistributed profit. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। Of the subsidiary associate joint venture. IS 12 says that deferred tax should be recognized on this temporary difference except when the investor controls the timing of reversal of the temporary difference and it is probable that the profit will not distribute in the foreseeable future. And ka matlab plus hai. कहते हैं एन इन्वेस्टर कैन कंट्रोल द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द सब्सिडरी बट नॉट ऑलवेज दैट ऑफ अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने बताया बाय नॉर्म एसोसिएट के केस में नहीं होता। दिस मींस दैट डेफर्ड टैक्स डज नॉट अराइज ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बट मे अराइज इन इन्वेस्टर्स एसोसिएट इन द जॉइंट वेंचर्स। अगर एक्सेप्शन की कंडीशन मीट नहीं हुई कोई भी रीजन पे तो आप डेफर टैक्स बुक करेंगे, और डेफर टैक्स जब बुक करेंगे तो क्या होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी डेबिट एंड सीआरई एंड एनसीआई। मिसाल के तौर पे 30% टैक्स रेट है तो 3000 80% 2400 और ये 620%। बेटा बाकी बात कल समझ में आएगी, कल समझाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं कह सकते सब्सिडी पे कभी नहीं होगा, हो सकता है कंडीशन 1 सब्सिडी की मीट हो जाए
लेकिन सब्सिडी ने 3 साल के बैन लगाया हो, पेरेंट ने सब्सिडी के पर बैन लगाया, तो उन डिविडेंड नहीं दे सकते, फिर क्या करोगे? आपको कहोगे कंडीशन वन तो मीट हो गई, कंडीशन टू मीट नहीं हो रही, एक्सेप्शन की, फिर तो करोगे ना? एक्सेप्शन की दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, टाइमिंग ऑफ द रिवर्सल आपके कंट्रोल में हो, यानी कि डिविडेंड आपके कंट्रोल में हो, दूसरा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में डिविडेंड ना आए। अब आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है कि एक सवाल होगा, ये सब लोग अटेम्प्ट करके आए, नाइमन का मैं आपको अभी हैंडआउट दे दूंगा इसका। अबे बोल तो रहा हूं एक्सेप्शन की दोनों कंडीशन लिखा हुआ है, प्लस प्लस, हां एक्सेप्शन की दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, दोनों में से एक भी डिस्क्वालिफाई हो गया, एक्सेप्शन खत्म। आप ऐसे नहीं कर सकते एक भी मीट ना हो तो, हाँ ठीक है सही है, तुम अपनी जगह पे सही कह रहे हो, एक भी मीट ना हो, एक भी खत्म हो गया तो एक्सेप्शन का क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पहले बताएं यहां तक सबको समझ में आ गई बात? मैं इस पे और बात करूंगा कल नाइमन के केस के साथ, कल 6 बजे मुलाकात होगी हमारी, नाइमन का केस होगा ऑनलाइन इंशाल्लाह, सैटरडे संडे ऑन कैंपस मिलेंगे। भाई मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया है? हाँ, लास्ट वाला पॉइंट आज भी बताया, कल भी बताऊंगा। आप लोगों ऑनलाइन क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने क्वेश्चन कराता तो और भी बेहतर हो जाता, क्वेश्चन करेंगे सेट हो जाएंगे, परेशान ना हो। कल 6 बजे ऑनलाइन क्लास होगी, थैंक यू वेरी मच, मैं सारी चीजें भी आपको हैंड ओवर कर देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जो भी प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, सवाल भी मैं दूंगा करने को। जी जी मैं एडजस्ट कर देता हूं, रात में कर दूंगा एडजस्ट, पर प्रॉब्लम नहीं। जी 15-20 मिनट का वो पॉइंट था, लाइट चली गई थी इस वजह से उसमें प्रॉब्लम हुआ था। ओके अल्लाह हाफिज, मैं दे दूंगा आप। अस्सलाम वालेकुम।